हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्तीज ग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और इसी तरह आप भी अपने गार्डन के लिए नई नई शॉपिंग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो शॉपिंग हॉल है। क्या कुछ मैंने इन दिनों खरीदा है वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम इन प्यारे प्यारे डहलिया के साथ। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक शेड है डहलिया का, ये पिंक है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये वाइट कलर का है, ऑफ वाइट कलर का ये डहलिया है। देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अच्छा इसका बड़ा सा फ्लावर है। डहलिया पर भी एक पूरी कंप्लीट केयर की वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं नीचे दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर डहलिया में आप बहुत बड़ा फ्लावर लेना चाहते हैं तो साथ में आई हुई जो कलियाँ होती हैं उसको हटा देना चाहिए, ताकि इसका जो डायामीटर है वो और भी बड़ी साइज़ का आए। लेकिन एक फ्लावर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्लावर को रखने से अच्छा है कि हम क्यों ना बंचेस में अपने प्लांट पर फ्लावर को देखें। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, ये पिंक है, वो वाइट है, और ये बहुत ही प्यारा सा, देखिए रेड कलर है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका शेड है। और एक ये प्लांट है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरीके से मैंने चार अलग अलग शेड लिए हैं और बहुत ही हेल्दी मेरा प्लांट है और बहुत सारी कलियाँ इसमें लगी हुई हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एस्टर का प्लांट है। देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें भी शेड आने वाला है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ऑफ वाइट और कुछ पिंक का कॉम्बिनेशन कुछ इसमें आएगा। तो ये एक प्लांट मैंने लिया है और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो ये प्रेमुला का प्लांट है, जिसे प्राइम रोज़ भी कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ मिला है और ये प्लांट यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये मैं बिलासपुर से लेकर आई हूँ। देखिए दोनों के दोनों बहुत छोटे हैं अभी, तो अभी इसमें कहीं भी आपको कलियां नहीं नज़र आ रही हैं, वरना इसमें यहाँ पर बीच में एक पूरा बंच आएगा कलियों का और वहाँ से बहुत ही सुंदर फ्लावर्स इसमें खिलेंगे। धीरे धीरे आपको वीडियोस में इसकी अपडेट मैं देती रहूँगी। फिर यहाँ पर देखिए, एक ये जो प्लांट है मेरा, ये कैलेडियम का प्लांट है। इसकी सीज़न अभी फेब से स्टार्ट हो जाएगी और अभी थोड़ा सा ये डॉर्मेंट है, इसलिए देखेंगे आपके बिल्कुल, ये एक पत्ती है और साथ में छोटी सी पत्ती है जो कि यहाँ से डैमेज है, पर जैसे ही इसका सीज़न आएगा मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ अपने आप पकड़ लेगा। उसके बाद ये जो प्लांट हैं ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे चार प्लांट मैंने अलाइसम के लिए हैं। देखिए इसमें दो शेड आते हैं, एक पर्पल और एक ये वाइट कलर का। बहुत ही अच्छी खुशबू इस प्लांट्स में होती हैं, आसपास जब भी आप इसके आसपास टहलते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू, भीनी भीनी सी खुशबू इसके आसपास आती रहती है। बहुत ही प्यारे से लगते हैं देखने में भी। धीरे धीरे ये जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें भी आप देखेंगे कि बंच में बहुत ज़्यादा, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पत्तियाँ जो ये ग्रीन जो पत्तियाँ हैं ये नहीं दिखती और पूरा प्लांट इस तरीके के वाइट कलर के जो इसके फ्लावर्स हैं उसके बंचेस से भर जाता है। तो जब इसको एक साथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगते हैं। अब ये पीछे जो एक प्लांट है जिसको मैंने छोड़ दिया है, ये भी मैं बिलासपुर से लेकर आई हूँ और इसका जो नाम है, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन्होंने मुझे इसे ऑटोस्टेरियनम कहकर दिया है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे और जब फ्लावर आएगा तब समझ में आएगा कि इसकी ब्यूटी कैसी है। पत्तियां तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन मैं अभी भी उनके नाम से बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। सर्च करने पर भी मुझे ऐसा कोई प्लांट नहीं मिला, तो अगर आप में से कोई इसे पहचानता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे इसका नाम ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इधर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो है सिनरेरिया के प्लांट हैं, ये भी यहाँ रायपुर में नहीं मिलते हैं और इसे भी मैं वहाँ बिलासपुर से लेकर आई हूँ। ऐसे चार प्लांट हैं, कलर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अब मुझे कहीं जाकर थोड़े से इसमें दिख रहा है कि ये देखिए पर्पल टाइप का कलर है,
थोड़ा सा डार्क है, इसमें थोड़ा लाइट शेड है और ये पिंक है और इसका कलर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो जब फ्लावर्स आएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा कलर है। तो इस तरीके से ये चार प्लांट मैं वहाँ से लेकर आई हूँ सिंड्रेलिया के। अब पीछे आप देखेंगे वहाँ पर ये जो दो प्लांट गमले में लगे हुए हैं, ये देखिए पॉइनसेटिया के प्लांट हैं और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर भी आ चुके हैं, पत्तियों के शेड्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास जो प्लांट मेरे मदर प्लांट पहले के हैं उसमें अभी तक पत्तियों का कलर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये दो मैं वहाँ से लेकर आ गई और ये मुझे 100 रुपीज़ ईच में गमले सहित मिले तो मुझे बहुत अच्छी डील लगी, इसलिए मैंने वहाँ से ये ले लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये एक मेरा प्लांट जिसका नाम है पेपरोमिया, सेमी शेड में रहने वाला ये प्लांट है। पत्तियाँ आप देख सकते हैं वेरीगेटेड कलर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट है। बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इस प्लांट की, पानी इसे कम चाहिए और शेड में बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव करता है। अब ये जो एक मेरा प्लांट है ये बहुत ही यूनिक कलेक्शन में कहा जाता है इसको, जल्दी से ये मिलता नहीं है। देखिए आप बहुत ही खूबसूरत इसके जो फ्लावर हैं बिल्कुल इस तरीके से लैंटर्न की तरह, लालटेन की तरह लटकते हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा इनका शेड भी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका फ्लावर है। और पत्तियाँ देखिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, लेकिन देखिए फ्लावर इसमें आए हुए हैं और कलियाँ भी लगी हुई हैं। और इसका नाम उन्होंने मुझे बताया अबुटिलॉन या अबुशन, इसे झुमका बेल भी कहते हैं, चाइनीज़ लैंटर्न भी कहते हैं। तो यही था आज का शॉपिंग हॉल, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की थी वो आप सबके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो अब आगे पता है ना आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ इन सब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।